अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो रमज़ान में चिकन स्टार्टर्स खाते खाते बोर हो चुका है, कुछ यूनिक ट्राई करना चाहते हैं, तो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ एक यूनिक रेसिपी जिसे हम कहते हैं स्पाइसी क्रीमी चिकन। तो यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन को हल्के चाकू से मैंने प्रेस कर लिया था, उसे थोड़ा चपटा कर लिया था। चिकन को बिल्कुल इस तरीके से कर लेना है। यहाँ मैंने एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच नमक और फिर एक चम्मच मैं यहाँ तेल ऐड करके इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। और इसे मिक्स करने के बाद हमें 15 मिनट इसे मैरिनेट करके छोड़ देना है। बिल्कुल इस तरीके से हमारा चिकन रेडी हो जाएगा। अब यहाँ मैंने फ्राई पैन पे हल्का सा तेल लिया है और इसमें हम ऐड कर देंगे चिकन। अब चिकन को हमें तब तक फ्राई करना है जब चिकन अच्छी तरीके से पकड़ने लगेगा, थोड़ा हल्का सा क्रंची हो जाएगा, तब तक हमें चिकन को पकाते रहना है। पहले हाई फ्लेम पे इसे पकाना है, फिर इसे जब ये पकड़ने लगेगा नीचे तो इसे फिर मीडियम फ्लेम पे पकाना है। बिल्कुल इस तरीके का हो जाना चाहिए। यहाँ मैंने पैन में बटर ऐड कर दिया है, बटर अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगा। यहाँ मैंने चॉप करके लहसुन ऐड कर देना है और फिर इसे अच्छी तरीके से एक सेकेंड तक चलाएँगे। फिर इसके अंदर मैं हरी मिर्ची की 3-4 कली ऐड कर दूँगी और फिर इधर 2 चम्मच हम ऐड करेंगे शेजवान चटनी और 1 चम्मच मैंने यहाँ टमेटो केचप और 1 चम्मच मेयोनीज ऐड किया है। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। लो फ्लेम पे ही हमें इसे बनाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे ही करना है। अब 1 कप यहाँ मैं फ्रेश क्रीम ऐड कर दूँगी, काली मिर्च का पाउडर ऐड करना है और नमक अपने स्वाद अनुसार ऐड कर देना है। थोड़ा सा पिज़्ज़ा हब्स और थोड़ा सा मिक्स हब्स ऐड कर देंगे और फिर इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके हमें जैसे ही फ्रेश क्रीम का स्मेल चले जाएगा उस तरह से हम धनिया ऐड करके चिकन ऐड कर देंगे और चिकन को क्रीम में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल इस तरीके का हमारा चिकन हो जाना चाहिए। ये हो गया हमारा परफेक्ट। ऊपर से मैं थोड़ा चीज़ ऐड कर दूंगी, ये ऑप्शनल है, आप ऐड करेंगे तो अच्छा ही लगेगा आपको, लेकिन ये फिर भी ऑप्शनल ही है तो आपकी मर्ज़ी है, डालिए वरना स्किप कर दीजिए। ऊपर से थोड़ा मैं ऐड करूँगी धनिया। धनिया ऐड करने के बाद इसे मैं 1 मिनट तक लो फ्लेम पर स्टीम दे दूंगी, चीज़ मेल्ट हो जाएगा। तो लीजिए, आपका स्पाइसी क्रीमी चिकन रेडी हो गया है। बहुत अमेजिंग का लगता है और अगर आप रमज़ान में इसके बना के खाना चाहते हैं तो ज़रूर बनाएं, क्योंकि ऑलवेज़ हम स्टार्टर्स खा के बोर हो जाते हैं, तो कुछ नए रेसिपी ट्राई करना चाहिए। तो आप ये ज़रूर बनाना, बहुत ही मज़े का बनता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए कि कैसी बनी ये रेसिपी। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना, ये आप जब खाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। सो बाय, अल्लाह।